असलमेकम वेलकम बैक टू माई चैनल्स मी निशू आज मैं आप लोग को बहुत ही ईजी सिंपल कट क्रीज और स्मोकी स्मच आई लाइनर सिखाऊँगी जिससे आपकी आंखें बड़ी बड़ी नज़र आएँगी जैसे कि यहाँ पर मेरे गोलू मोलू फेस को ज़रा इग्नोर करें सिर्फ आई मेकअप देखें सो so, सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को कर लिया प्रैप फाउंडेशन से पहले हम प्राइमर लगाएँगे लेकिन मैंने बहुत ही ग्लोई सा लुक करना है तो एले गर्ल्ड का लूमिनियस ग्लो स्किनूमि स्किन इल्यूमिनेटर यूज़ करूँगी इन शेड मून लाइट ठीक है दिखता कुछ इस तरह से है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में ठीक है पैची और अजीब सा नहीं दिखता ठीक है बहुत ब्लेंडेबल लगता है आप इसको मॉइस्चराइजर में भी ऐड करके यूज़ कर सकते हो बीबी क्रीम में भी और फाउंडेशन में भी ठीक है सो so, मैं एक डेंस ब्रश की मदद मतलब से इसको इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ उसके बाद जो है मैं मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक फाउंडेशन यूज़ करूँगी मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास पहले एफ़ थी अब एफ़ टू है ठीक है शेड के नाम मैं बता रही हूँ तो एफ़ टू और एफ सिक्स जो है दोनों मैं मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी बहुत ही बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है ऑयली स्किन के लिए भी कॉम्बिनेशन के लिए लाइक फॉर ऑल स्किन टाइप्स ठीक है सो कलर डिफरेंस देखें एफ सिक्स जो है वो थोड़ा सा डार्क है सो so, मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद मतलब से फटाफट जो है वो इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है ठीक है लॉन्ग लास्टिंग है पैची और क्रीस नहीं करता एंड मॉइस्चराइजिंग है सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एल ए गर्ल्ड का मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ डार्क शेड में ठीक है शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी या यहाँ पर स्क्रीन में इस तरह चीक्स के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ ठीक है हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा आपने बहुत नीचे नहीं अप्लाई करना वरना फिर वो बहुत बुरा लगता है मैंने नोज़ कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ किया फॉरहेड पर भी और जॉ लाइन भी ठीक है मेरा फेस बहुत मोटू मोटू सा है अगर आपका पतलू है देन इग्नोर ये वाला स्टेप बेसिक थिंग जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है आई मेकअप लेकिन ये कुछ चंद प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता दूं कि ये कितने अच्छे हैं हो सकता है आप डेली रूटीन में इसको यूज़ करना चाहो तो अच्छा भाई तो ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है सुपर डुपर लॉन्ग लास्टिंग है क्रीसिंग भी नहीं होती शेड वैनिला मैं अपनी अंडर आइज पर लगाऊँगी अगेन एले गर्ल्ड का कंसीलर है ये ठीक है इसमें बहुत सारी शेड्स हैं मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ये आपको वेगस डॉट पी के से मिलेगा और कहीं से आपको नहीं मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं वेगस डॉट पी के मतलब ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है मेरी रिकमेंडेशन है सो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और आप देख सकते हो मेरे अंडर आई सुपर डुपर हाईलाइट हो चुके हैं बहामा मामा से मैं अपना कॉन्ट्रोल जो है उसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट करूँगी क्योंकि जो हमने कॉन्ट्रोल के लिए यूज़ किया वो थोड़ा सा वार्म शेड था और कॉन्ट्रोलिंग के लिए हमेशा जो है वो कूल टोन यूज़ करते हैं लाइला का ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगर मेरी YouTube जर्नी आपको याद है फ्रॉम डे वन ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लश था तो मुझे ये दोबारा मिल गया ना आई गॉट इट अगेन एंड वन ऑफ़ माई फेवरेट हाई लाइटर द बाम का मेरी लूमिनाइज़र अगर आपके पास नहीं है गेट इट वन ऑफ द बेस्ट ये ट्रेवल साइज़ में है आपको फुल साइज़ में भी वेगस डॉट पी के से मिल जाएगा ठीक है सो so, मैंने इसको चीक्स पर लगाया चिन पर नोज़ पर बहुत खूबसूरत है ये हाई लाइटर ठीक है चंकी नहीं लगता आपके टेक्सचर को जो है वो एनहेंस नहीं करता मैक फिक्स प्लस के साथ मैं अपने फेस को जो है वो सेट कर रही हूँ बेसिकली ये सेटिंग स्प्रे नहीं है इट इज़ मोर लाइक अ हाइड्रेटिंग स्प्रे ठीक है तो जब ये ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद मैं एल्फ़ की ये स्ट्रिप्स ले रही हूँ ठीक है आप कोई भी टेप ले सकते हो ठीक है और उसको अपनी आइज पर लगा सकते हो ताकि आपका जो लाइनर है वो काफ़ी शार्प लगे सो so, मैंने उससे पहले अपनी अंडर आइज़ को जो है वो सेट करना चाहा और मैंने पाउडर को अच्छे से ब्लेंड नहीं किया था आप ये बेवकूफ़ी मत करिएगा पाउडर को अच्छे से ब्लेंड करिएगा और उसके बाद जो है ना टेप लगाइएगा अच्छा जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना ये तमाम चीज़ें आपको वेगस डॉट पी से मिल जाएंगी आराम से चाहे वो होता ब्यूटी है चाहे वो कोई हाई एंड ब्रांड है तमाम चीज़ें सो so, मैं एम mm, एम uh, का ये ब्राउ पैलेट यूज़ कर रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट ब्र एंगल ब्रश के साथ मैं अपनी आई को थोड़ा सा फिल कर रही हूँ ठीक है शेप कर रही हूँ अभी आपको बहुत डार्क लगेंगी लेकिन फिर जब मैंने इसको जेल के साथ सेट किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गई थी ठीक है स्पूली के साथ हमने इसको फटाफट कॉम कर लिया आई मेकअप के लिए मैं नेक्स्ट की आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने वेगस डॉट पी के से ली थी इस तरह से मैं कलर को कट क्रीज डिज़ाइन में अप्लाई करूँगी हाफ लेट पे एंड आई लाइनर डिज़ाइन में अगेन ब्राउन शेड को मैं अप्लाई करूँगी इसको हम स्मोक आउट करेंगे एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ पहले हम जो है वो इनर साइड पे ब्लैक शेड लगाएंगे और एक नीट एंड क्लीन ब्रश के साथ उसको स्मोक आउट करेंगे ताकि उसकी एजेस जो है वो ब्लेंडेड नजर आएँ और स्मोक आउट हुए हुए हों बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं आपने जो है आउटर एज का कोई टेंशन नहीं लेनी ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पर टेप लगाई हुई है बहुत नीट एंड क्लीन लाइनर लगेगा निक्स का आई लाइनर मैं ले रही हूँ यहाँ पे बहुत बारीकी से मैं आई लाइनर लगाऊँगी ठीक है बहुत मोटा नहीं लगाना और उसको भी मैं अच्छे से स्मोक आउट करूँगी लाइक पेंसिल ब्रश के साथ मैं उसको स्मच करूँगी अब जो हमने हाफ़ लिट पर ब्राउन शेड लगाया उसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया देन स्वीट फेस का ये ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर लाइनर और इस तरह से मैंने इसके आउटर एज पर अप्लाई किया है लोअर लैश लाइन पर भी हम हाफ अप्लाई करेंगे ठीक है वाह 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 देखें तो सही ना कितना खूबसूरत आई मेकअप हुआ वा है और इसके आउटर एच पे भी लाइनर के आउटर एच पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे अच्छा ये मस्कारा मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉरियाल का एयर वॉल्यूम मेगा मस्कारा लाइक मेरी तरफ से रिकमेंडेड 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 रिकमेंडे, अगर आप फेक लाशेज़ नहीं अप्लाई करते ट्राई दिस ये आपको सुपर डुपर वॉल्यूम देगा वाटरप्रूफ है लॉन्ग लास्टिंग है लाइक पैसा वसूल प्रोडक्ट ठीक है अगैन रिकमेंडेड मेरी तरफ से लैशेज हम अप्लाई करेंगे एस टी लंडन की इन स्टाइल्स कार्लेट और इसको मैंने अप्लाई कर लिया ग्लू मैंने डुओ की यूज़ की है और आपको विगस डॉट पी के से मिलेगी और कहीं से आपको नहीं मिलेगी ठीक है ना क्योंकि मैं बहुत सारी वेबसाइट पे चेक करती हूँ कहीं से मुझे नहीं मिलती घूम घाम के मैं वापस वेगस डॉट पी के पे आती हूँ अच्छा सो लिप लाइनर हमने लगा लिया एले गर्ल की मैट लिपस्टिक हम यहाँ पर लगा रहे हैं मैरून शेड में अगर आपको डार्क शेड्स नहीं पसंद देन आप कोई लाइट शेड भी यूज़ कर सकते हो सो so, बस मैंने अप्लाई कर लिया इसको ठीक है इसके ऊपर मैंने आर्ट डेको की लिपस्टिक लगाई है उसमें ग्लिटर चंक्स थे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था बहुत सारी लड़कियों को ये वाला मेकअप पसंद नहीं होता आप लाइट लाइट मेकअप कर लो मेरा मकसद है आप लोगों को न्यू टेक्निक्स सिखाना न्यू मेकअप ट्रेंड्स सिखाना जैसे कि ये हाफ कट क्रीज टाइप वाला लाइनर स्मज लाइनर ठीक है सो so, ये वाला मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है चाहे आप मेहंदी जा रहे हो बारात जा रहे हो ठीक है आप कलर्स को जो है थोड़ा सा और टोन डाउन कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लिपस्टिक साथ में लगाओ आप लाइट्स लिपस्टिक लगा लो मेरा मकसद था विंटर अप्रोप्रिएट मेकअप करना जिसमें डार्क लिपस्टिक का होना बहुत ज़रूरी है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तमाम प्रोडक्ट्स आपको वेकेस डॉट पी के से मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन कर दूंगी तमाम डिटेल्स मेंशन कर दूंगी अच्छा जी तो मुझे अपना मेकअप बेहद पसंद आया लेकिन अपने मुंह मैं मिठ्ठू नहीं बनेंगे आपके कॉमेंट्स का इंतजार करेंगे मुझे बताइएगा आपको ये आई मेकअप कैसा लगा अपनी बहन पर अपनी अम्मी पर ज़रूर ट्राई करेगा क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आपका जो मेकअप गेम है ना वो स्ट्रांग से स्ट्रॉन्ग हो जाना है ठीक है मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियाँ मुझे कहती हैं आपसे हमने बहुत कुछ सीखा सोने आई लव you and see you soon. Bye.